Now, a good news from the world of chess, a heartwarming story, a moment of pride. 14-year-old Delhi boy Aryan Chopra has achieved what many others before him would have thought impossible. He has become a grandmaster, a feat that only one person of his age in the country and just 22 in the world have been able to achieve before this. Take a look at his story. Once regarded as a game solely of experienced and mature minds, where the youngest recognized names were no less than 35 years of age, chess is coming to be played more and more by youngsters. One such name is that of Aryan Chopra, a rising star in the world of chess. The Delhi boy at 14 has become the second youngest in the country and the 22nd in the world to achieve the much coveted title of Grandmaster. मेरी आर्यन के लिए ये है ब्लेसिंग कि हमेशा ये अपना जो है पूरा परफॉर्मेंस दे और मतलब ये आगे बढ़ेगा जितना ये अपने आप को पेशेंस के साथ खेलेगा तो और आगे बढ़ेगा At 8, Aryan had won the Commonwealth gold in the under 10 category and has never looked back since. काफी मेहनत करनी पड़ी मतलब मैंने अपने लेवल पे तो मेहनत की लेकिन अभी मुझे लगता है कि मैं और मेहनत कर सकता था जो कि अब मैं करने की कोशिश करूंगा। विश्वनाथन आनंद को तो सभी जानते हैं तो मैंने जब चेस शुरू की तो मैं उनकी गेम में ज़रूर देखता था क्योंकि वो वर्ल्ड चैम्पियन थे और मुझे इंस्पायर करते थे फिर जब मैं बुक्स पढ़ने लगा तो मुझे और प्लेयर्स में इंटरेस्ट आया जैसे कि जो पहले वर्ल्ड चैम्पियन थे जैसे कि बॉबी फिशर और मिखाइल ताल तो ये दो प्लेयर्स मेरे आइडल हैं इस वक्त हाँ कार्लसन भी मुझे काफ़ी इंस्पायर करता है क्योंकि उसकी एंड गेम स्किल्स से काफ़ी कुछ सीखा जा सकता है आर्यन्स सक्सेस एट सच अ यंग एज इज एन इंस्पिरेशन फॉर मेनी फॉर द यंगस्टर हिमसेल्फ इट रेजेस होप्स ऑफ अ ब्राइट फ्यूचर अहेड ऑफ द मेनी लॉरल्स टू बी वॉन नॉट लीस्ट ऑफ विच इज द टाइटल ऑफ वर्ल्ड चैंपियन विद इनपुट्स फ्रॉम नम्रता इन दिल्ली ब्यूरो रिपोर्ट डीडी न्यूज़